हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल विद शास्त्रा एम शास्त्रा वी विल डिस्कस द यूनिट नंबर थ्री दैट इज़ नेम्ड एज जॉन मिल्टन और ये वी हैव डिसकस टू यूनिट्स सो आई थॉट कि आप लोगों के कमेंट्स दिखाए जाएं कुछ कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो और भी हैं अब आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी यहाँ पर किसी का कमेंट है दिस इज़ हाउ यू गेन रिस्पेक्ट फ्राम अदर्स थैंक यू सो मच ये रहे कुछ और कमेंट थैंक यू रोहित श्रुति ज्योति थैंक्स गेमिंग टेक एंड दिस यूज़र एन एल टू वाई वाई एट ओ एस नाइन यू थैंक यू सो मच ये कुछ पुराने कमेंट्स भी हैं तो आप लोग कमेंट क्या कीजिए मैं ज़रूर दिखाऊंगी थैंक्स अलाट चलो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर थ्री सो so, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स इट स्टार्टड विद जॉन मिल्टन ठीक है आपको मैंने फिर भी बता रही हूँ चार यूनिट्स में से कोई भी तीन यूनिट अच्छे से कर लीजिए आपका हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने साथ में कवर करें तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है जी तो जॉन मिल्टन का क्वेश्चन आता है क्रिटिकली अप्रिशिएट मिल्टनस पैराडाइज लॉस्ट और एलिमेंट्स ऑफ आई पिक पोइट्री डू यू फाइंड इन पी एल पी एल ये पैराडाइज लॉस्ट बुक वन रेफरेंस टू ग्रैंड स्टाइल ठीक है इसका आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेना कि पैराडाइज लॉस सिक्सटी सिक्सटी सेवन में पब्लिश हुआ था है ना जो भी है ओरिजिनली जो है ये टेन बुक्स में पब्लिश हुआ था बाद में जो है वो बुक सेवन का और आई थिंक इलेवन का कुछ ऐसा एक और बुक ऐड हो गए थे तो ट्वेल्व बुक्स में पब्लिश हो गया था ये ठीक है तो ये आपने देख लेना है तो अब क्या है इसमें मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू एम एच ए ब्राम्स एम एच ए की बुक है लॉस्ट ऑफ लिटरे टर्म्स वो क्या बोलती है कि एपिक और हीरोइक उस पोइम को बोला जाएगा ठीक है जिसमें ये सारे क्राइटेरिया होंगे ठीक है इसमें से आप दो तीन भी याद कर लें तो बहुत है लॉन्ग नैरेटिव पोइम होगी सब्जेक्ट सीरियस होगा एलिवेटेड होगा ठीक है हीरोइक और सेमी डिवाइन कुछ होगा ठीक है सुपर ह्यूमन होंगे और गॉड और सुपर नेचुरल थिंग्स होंगे ठीक है अब क्या है इसमें एक थीम है सबसे पहले जब भी शुरू होता है ना इनकी पोइट्री तो एक इन्वोकेशन की जाती है टू दी होली म्यूज ठीक है जैसे हम को इस चीज स्टार्ट करेंगे तो हम ओम लिखेंगे पहले है ना या गणेश का साइन बनाते हैं इनकी जब चीज़ें स्टार्ट होती है तो ये लिखते हैं इन्वोकेशन करते हैं अपने आह्वान करते हैं भगवानों को ठीक है तो इनकी किसकी इन्वोकेशन होती है म्यूज़ की ठीक है म्यूज़ इनकी जो है वो कॉडस है ठीक है उसको ये लिखा ना ही इनवोक्स अ म्यूज़ और गाइडिंग स्पिरिट टू इंस्पायर हिम ठीक है पी एल बिगेन्स विद फॉलन एंजल्स इन हेल हेल में जो फॉलन एंजल्स हैं उनसे ये पैराडाइज लॉ स्टार्ट होता है एक्शन शुड हैव बिगनिंग अ मिडिल और एंड ठीक है ये एक एंड अनडिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड क्लासिक क्यों है क्योंकि इसमें ग्रैंड स्टाइल है ठीक है ग्रैंड स्टाइल है इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका रीडर्स पे ठीक है और इसमें पता क्या है वो जो तुमने एडम और ईव की कहानी सुनी है ना वो एडम और ईव ईव वो जो ईडन में रहते थे गार्डन में पैराडाइज में रहते थे और वहाँ पे सेटिन आता है सेटिन जो था वो गॉड के अगेंस्ट था सेटिन आता है ठीक है और वो सर्पेंट बन के आता है स्नेक है ना स्नेक बन के आता है और वो ईव को बोलता है एक फॉबिडन ट्री होता है वहाँ पे ठीक है एक वहाँ पे क्या होता है एप्पल का ट्री होता है और ये जो एप्पल है ठीक है ये एप्पल का कुछ और ही बन गया ये ठीक है ये जो ये तो ऑरेंज बन गया ठीक है ये जो एप्पल है इसको जो है वो खा लो ठीक है गॉड ने तो ऐसे मना किया है तो नॉलेज का फ्रूट है तुम्हें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी लेकिन गॉड ने मना किया होता और ईव औरतें तो औरतें ही होते हैं उन्होंने तो खा लिया वो कहाँ सुनती हैं जिस चीज़ के लिए मना करो वही तो करते हैं हम सब है ना तो ईव ने वो खा लिया अब ईव ने खा लिया तो अपने पति एडम को ऐसे छोड़ेगी तो एडम को भी खिला दिया ठीक है तो उन दोनों को खिला दिया फिर गॉड आए उन्होंने उनको कहाँ पे फेंक दिया अर्थ में फेंक दिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा कष्ट इसी लिए हैं और माना जाता है क्रिश्चियन मैथोलॉजी में कि ईव और एडम जो है वो फर्स्ट पेरेंट्स है मतलब ईव जो है फर्स्ट मदर है इस तरीके से ठीक है तो लॉफ्टी थीम है इसकी डील्स विद फॉल ऑफ मैन किस तरीके से मैन का फॉल हुआ ठीक है दैट ब्रॉट डेथ एंड सिन इन द वर्ल्ड मैंने आपको बता दिया पोइट इन करता है हेवनली म्यूज़ को ताकि इंस्पिरेशन लेने के लिए ठीक है हायर फोर्सेस से लॉफ्टी स्टाइल है ब्रूक ब्रूक एक क्रिटिक है वो बोलता है इट लिफ्ट्स द लो ये ऐसा स्टाइल में लिखा है कि जो लो पर्सन है वो भी जो है वो लिफ्ट हो जाएगा इससे ठीक है अर्नोल बोलता है मिल्टन इज एज एडमायरेबल एज डांटे एंड वर्चल डांटे एंड वर्चल जो है वो एशंट लोग हैं ये इस डांटे की जैसे डिवाइन कॉमेडी वर्जल ने इनियड लिखा है ठीक है तो डांटे और वर्जल ये आउटसाइड इंग्लैंड वाले हैं टांटे और वर्चुअल इंग्लैंड में नहीं थी पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन कलरफुल डिस्क्रिप्शन है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नाउनस का इसमें यूज हुआ है सब लिखना आपने एपिक एपिक सिमिली सिमिली क्या है कि आप कंपेरिजन कर रहे हो एंशियंट हिस्ट्री और थियोलॉजी के साथ क्रिस्टानिटी के साथ ठीक है अपील टू देंस दे ऑफ ग्राउंड ठीक है वर्ड्स की ओवर सिलेक्शन है हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट उनके गेट भी लगाए हैं हेल और हेवन में ठीक है ऑर्गन म्यूजिक ऑर्गन म्यूजिक क्या कि मिल्टन ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया ब्लैंक वर्ड्स मैंने आपको पहले ही बताया है ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है जिसमें राइम नहीं होती और रिदम होता है फ्री वर्ड्स क्या होती है फ्री वर्ड्स होती है जिसमें दोनों ही नहीं होते है. और राइम्ड क्या होती है जिसमें राइम और रिदम दोनों होते हैं ठीक है ये फ्री होता है ये राइम्ड होता है ये ब्लैंक होता है हेलन हेवन की बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेटिन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिल्टन हिमसेल्फ मिल्टन डिट पार्टली हिमसेल्फ विथ सेटिन डेयार की डेफिनेशन है ये तो आपको क्या लगता है सेटिन जो है वो मिल्टन ही है ऐसा मिल्टन ने अपने आप को सेटिन के रोल में प्रेजेंट किया है तो आप देखते हैं ठीक है सेटिन जो है फर्स्ट बुक में डोमिनेट कर रहा है ठीक है फर्स्ट बुक में मैंने आपको बताया ना इसकी टेन बुक्स ओरिजिनल थी वैसे ट्वेल्व थी बाद में तो जॉन वेन क्या बोलते हैं कि सेटिन जब हमने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो वो एक अनफॉर फॉरगेटेबली हीरोइक था ब्यूटीफुल हीरोइक था पोर्ट्रेट जो उसका बहुत फ्लॉलेस और पावरफुल वो दिखाया हुआ है सेंटर जो है पैराडाइज लॉस्ट का पीएल मींस पैराडाइज लॉस्ट वो कौन है सेटन विल सेटन जो है उसमें बहुत ज़्यादा विल है विल पावर बहुत है करेज बहुत है गॉड ने उसको डिफीट भी कर दिया हेवन से फेंक भी दिया फिर भी वो इतनी डिटर्मिनेशन है उसने जो है वो अपने आप ही एक जो है वो एक पेंडेमोनियम जैसे बना लिया है ना अपना अपना एक राज्य बना लिया है बोलता है ऑल इज नॉट लॉस्ट ये बोलता है सेटन ठीक है सेटन जो है उसमें मॉरल मॉरल क्वालिटीज जो है वो लैक नहीं करती फुल ऑफ सिंपथी है वेलफेयर भी करता है वो लोगों का ठीक है ही नाउ प्रिपेयर टू स्पीक हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड लीडर है फॉलन एंजल्स का फॉलन एंजल्स वही जिन्होंने भी गॉड के खिलाफ आवाज उठाई थी उनको तो नीचे फेंक दिया गया था ठीक है सेटन जो है वो लीडर है सेटन लीडर है डायनामिक करेक्टर है चेंज हो जाता है ठीक है सेटन जो है अपने ऊपर बर्डन ले लेता ले है न्यू वर्ल्ड बनाने का जबकि उसको पता है वहाँ पे गॉड नहीं है शैले क्या बोलते हैं पी वी शैले बोलता है मिल्टन डेविल एज मॉरल बींग इज़ फार सुपीरियर टू गॉड गॉड से भी ज़्यादा तो सुपीरियर है मिल्टन का डेविल डेविल कौन है सेटन सेटन डोमिनेट करता है बुक वन को और बुक टू को ठीक है वो बोलता है कि मिल जो टिल है वो क्या बोल रहा है कि मिल्टन की अपनी हीरोइक एनर्जी जो है वो से, सेटन के कैरेक्टर में दिखती है ठीक है क्योंकि वो बोलता है कि कुछ भी उसको फेंक भी दिया था देखो नीचे हेल हेल में फेंक दिया है, है कुछ भी नहीं खत्म हुआ अपने प्राउड में अभी भी है वो पोर्ट्रेट ऑफ सेटन सो फ्लॉलेस एंड पावरफुल सेटन जो वो हीरो है ड्राइडन बोलता है शैले हिजलिट बोलते हैं कि सेटन जो वो हीरो है क्योंकि क्योंकि क्या है डिग्रेडेशन के बाद भी उसने जो है वो डिजनरेशन की है ठीक है एपिक अपिक्सिमिलीज भी आ जाता है क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन नंबर वन की तरह आपने सेम लिखना है जो क्वेश्चन नंबर वन में लिखा ना आपने जो एपिक पोइट्री और ये था वही आपने सेम लिख देना है फिर भी आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ले लीजिए फिर जाता है पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक वन है वो क्रिश्चियन पोईम है मिल्टन जस्टिफाई द राइटिंग ऑफ इट और इसका क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्टन एज अ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थ्रू द लेंस ऑफ लिटरेरी लिखा लिटरेरी कल्चर है शायद है ना तो अब क्या है जो पैराडाइज लॉस्ट है वो सीरियस वर्क है क्योंकि उसमें गुड इविल से भी बुराई से भी अच्छाई दिखाने की बात की पैराडॉक्सिस ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बात की कि ह्यूमन लाइफ का मतलब क्या है इविल से भी अच्छाई को निकालना मतलब आप पेसिमिज्म में भी ऑप्टिमिज्म को देखो मेन पॉइंट क्या है सिचुएशन के फॉल ऑफ मैन सेटन का फॉल नहीं है ये फॉल ऑफ मैन है सेलेस्टियल बींग्स लाइक गॉड हेल हेवन और सेटन आर डायरेक्टली लिंक विद मैं फेट एंड इंटरप्रटेशन मैन इज मैनिपुलेटेड इन हेल एंड एग्जीक्यूटेड ऑन अर्थ एंड पनिशमेंट बाई हेवन है बोलते हैं कि मैन जो है ठीक है है, वो हेल में होता एग्जीक्यूट किया जाता है, 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 है भेजा जाता है ठीक है theme, theme की क्या है, ठीक है, है किस तरीके से उसको हेल से निकाल दिया उसको पनिश किया गया बुक फोर में क्या है इन्फॉर्म करता है एडम को सेटिन के रिबिलियन के बारे में उसके फॉल के बारे में ठीक है बुक फिफ्थ से लेके एट्थ तक क्या है कि रफेल जो है वॉन करता है एडम और ईव को कि मत खाओ लेकिन फिर वो खाते हैं बुक नाइन्थ में क्या है फॉल हो जाता है एडम और ईव का बुक इलेवन में क्या है गॉड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है और उन दोनों को पैराडाइज से बाहर जाना पड़ता है तो मेन थीम क्या है फॉल ऑफ मैन ठीक है जो मैंने आपको कहानी बताई वही कहानी है इसमें भी बताई हुई ठीक है यूनिवर्सल थीम है ठीक है ये स्टोरी सेटिन की नहीं है लेकिन ये सारे के सारे इंसानों की है ठीक है अपने प्राइड अपने घमंड के चक्कर में उनका क्या हो जाता है फॉल हो जाता है इसीलिए बोलते हैं सबकी हेल्प करो ठीक है जितनी हो सकता है सबकी औरों की हेल्प करो ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसमें कोई बेनिफिट हो रहा है तभी करो ठीक है बिना बेनिफिट के भी आप हेल्प करो अगर आप छोटी सी चीज़ भी कर दोगे ना किसी क्लेम में भी आपको वो कर्मा हिट्स बैक वाला है ना वो आपको वापस आएगी अच्छे के रूप में ठीक है दुआएं मिलेंगी लोगों की कॉलरिज ने इसको प्रेज़ किया कॉलरिज वो रोमांटिक एज वाला उसने बोला good and evil है गुड एनी विल का कॉन्फ्लिक्ट है मॉडर्न अपील है इसकी फ्री विल का कॉन्सेप्ट है ठीक है फ्री विल थी ना ईव की मैं तुम्हें बोलूँ कि जी खा लो एप्पल तुमने खाया तुमने अपनी मर्जी से खाया ना कौन सा मेरे बोलने पर खा लिया तुम्हारी अपनी मर्जी थी मना भी कर सकते थे ठीक है तो ये होता है फ्री विल ईव इनोसेंट मदर है इनोसेंट क्यों है क्योंकि तो फेमिनिन की वीकनेस को इसमें दिखाया हुआ है और कन्विंसिंग होती है इनको कन्विंस करना बहुत ईजी है औरतों को थीम ऑफ एपिक नॉट लॉजिकल लॉजिकल नहीं है डेविड बोलता है 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 पैराडाइज लॉस्ट इज नॉट क्रिश्चियन थियोलॉजी एक्सपोजिशन ऑफ मिथोलॉजी मिथोलॉजी ये ठीक है, क्या होती छोटी छोटी मिथ्स जिसमें होती है छोटी छोटी कहानियां ठीक है लिरिक क्वालिटी ऑफ मिल्टन की पोइट्री या लैंग्वेज यूज में मिल्टन या मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विशिंग फीचर पैराडाइज लॉस्ट एक ग्रैंड स्टाइल है इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ग्रैंड स्टाइल के ग्रैंड स्टाइल में क्या होता है लॉफ्टीनेस रिचनेस स्प्लेंडर ठीक है ऑर्डिनरी स्पीच नहीं होती इसमें ठीक है और ये कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होता है आर्टिफिशियलिटी नॉट वेल फाउंडेड आर्टिफिशियलिटी नहीं है इसमें वेगनेस एंड जनरलिटी ठीक है जनरलिटी सॉरी वेगनेस क्या होती है जब चीज़ें क्लियर नहीं होती ठीक है मिल्टन का स्टाइल ही वेग है डोनाल्ड बोलता है मिल्टन की ऑस्टेरिटी स्टाइल जो है वो ग्रैंड और इसका ग्रैंड स्टाइल है साउंड इफेक्ट सोलेमिनिटी साउंड इफेक्ट सोलेमिटी में जो मिल्टन है उसने बोला कि मैं जो हूँ वो वर्क करूँगा लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल्स पे ठीक है नो मोनोटनी मोनोटनी नहीं है ठीक है फर्टाइल मेथड्स का उसने यूज़ मोनोटनी monot को उसने अवॉइड किया ब्लैंक वर्ड्स उसने सबसे अच्छे से यूज़ किया इसमें आइम्बिक पेंटामीटर अंड्राइम्टी ये ब्लैक वर्ड्स होता है ब्लैंक वर्ड्स का एग्जाम्पल मैंडिंग वॉल भी है रॉबर्ट फ्रोस्ट की पुई में मैंडिंग वॉल ठीक है आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ किजोरा किजोरा जो एक लिट्रे टर्म है जिसका मतलब होता है पॉज देना वर्ड्स के बीच में और पर्टिकुलर लाइन में जो वर्ड्स होते हैं ना उसके बीच में पॉज देना फर्स्ट सिलेबल के बाद पॉज ऐसे करके फिर सेकंड के बाद पॉज फिर थर्ड ऐसे साउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ताकि तभी इमेजिनेटिव होगा ना तभी आपको वो होता है ना सेंसुअस पोइट्री बनेगी अगर साउंड और जैसे बेल्स आर टोलिंग रोलिंग बेल्स की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी दैट इज ऑडिबल सिग्नल्स मैं बोलूँ कि अपनी पोइट्री में मैं लिख रही हूँ कि आई सौ थाउजेंड डेफोडल्स एट अ ग्लान्स तो मैं देख पा रही हूँ तो दैट इज़ विजुअल इमेजरी तो ऐसे यूज़ करते हैं पोइट्स इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मिल्टन की इन्वोकेशन किसको थी आप लोग बताएंगे मिल्टन ने किसको इन्वोकेट किया था ठीक है मिल्टन ने जो इंस्पिरेशन ली थी हेवनली एक डेइटी से उसका नाम था म्यूज ठीक है मैन जिस तरीके से डिसोबे करता है गॉड को और फॉरबिडन फ्रूट को खाने से मना किया था जिसकी वजह से उसका फॉलो जाता है ठीक है यूनिवर्स में उसको फेंक दिया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है मिजरी है बिगनिंग ऑफ पोइम सीरियस थी ठीक है द बुक ऑफ जेनेसिस से जिससे मिल्टन ने ऑप्ट किया था इस हिस्ट्री को ठीक है स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स क्रिएशन बाइबल कहाँ से स्टार्ट होती है वर्ल्ड की क्रिएशन से ही स्टार्ट होती है ठीक है म्यूज़ को उसने वो किया था यूरेनिया को भी किया था ठीक है अब जो है ट्वेंटी सिक्स लाइन्स हैं जो इसमें मतलब कि म्यूज़ के लिए ही हैं टोटली ठीक है सेकेंडली क्या है डायरेक्ट सजेशन ऑफ डीप स्पिरिचुअल प्रप्रेशन ये मैंने आपको बता दिया क्रिश्चियन पर्स्पेक्टिव से लिखी गई है और जो म्यूज़ है वो कहाँ रहती है माउंट हेलिकन हेलिकन एक पर्वत का नाम है पर्वत श्रृंखला का नाम है वहाँ रहती है ठीक है और म्यूज़ जो है वो हॉन्ट करती है अदर रेडियस कुछ मिल्टन की म्यूज़ है ठीक है वो हॉन्ट करती है अदर रेडियस को इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या सकता है पैराडाइज लॉस्ट जो है फर्स्ट इंग्लिश एपिक माना जाता है

ठीक है इट इज़ अ प्लेस वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर डू ये ऐसी जगह है जहां पे पीस और रेस्ट नहीं आती है होप इधर कभी भी नहीं आती ठीक है क्योंकि अब ऑब्वियसली हेल है तो फायर और फ्लेम्स होंगी ना ठीक है मिल्टन की म्यूज की इन्वोकेशन टू म्यूज ये आपने सेम ही लिखना है जो आपको भी मैंने बताया इन्वोकेशन लॉन्ग आंसर में सेटिन एज अ हीरो हीरोटिन एज अ हीरो में भी आपने जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिल्टन हिमसेल्फ यही सब आपने जो है इसमें लिखना है सो दैट्स ऑल अबाउट यूनिट नंबर थ्री देखो इतना ईजी और तुम लोग इतना एग्जाजरेट कर देते हो चीज़ों को है ना चलो अच्छा भी हुआ तुम्हारे चक्कर में मैंने वीडियो तो बना दी तुम लोग मैसेज नहीं करते तुम्हें भी नहीं बना पाती मैं इस बार फर्स्ट पेपर की तुम्हारी वैसे भी नहीं बना पाई थर्ड की बना दूंगी चलो ठीक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने डालने ही हैं फोर्थ के मैंने डालने हैं अभी ठीक है मैं लिख रही हूँ उनको मैं डाल दूंगी तो डोंट वरी अबाउट दैट अच्छे से इसके लिए पढ़ो अब एक यूनिट बचती है एलेक्जेंडर पोप की वो भी मैं आपकी करवा दूँगी सो गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर लव यू ऑल बाय बाय